कर्नाटक में हार गए, हार उससे सहन नहीं हो रहा है, जल रहे अंदर ही अंदर, हिटलर आपके सामने फीके पड़ रहे। हम कांग्रेस सरकार को भी बोलते हैं, आप क्या करते कैसा करते हमको मालूम नहीं है, जो आपने वादा किया वो वादा आपको निभाना पड़ेगा। कहीं से खरीद लो, केंद्र सरकार के सामने मोर्चा निकालो, फाइट करो, लेकिन वहाँ से चावल लेके आओ, कहीं दूसरे जगह मिलते तो वो भी चावल इकट्ठा करो, लेकिन गरीबों को चावल देना आपका जिम्मेदारी बनता है। This video presented by Inspire Global Group Institute. You can learn to succeed, basic computer, AutoCAD, MS Office, and other courses by well-trained, qualified expert trainers. Address Darshan Tower, opposite Khalvi Petrol Pump, Sedum Road, Gulbarga. ये मोसा सरकार कर्नाटक में हार गए, हार उससे सहन नहीं हो रहा है, जल रहे अंदर ही अंदर, इनका अंदर की आग सभी गरीब लोगों को जलाने में ठेके रख दिया है। जो कांग्रेस सरकार ने इलेक्शन के वक्त 5 गारंटी घोषणा किया था, उसमें से एक गरीब को चावल देना, हर आदमी हर इंसान को गरीब को 10 केजी चावल देना उनका वागदान था। इसके मुताबिक कांग्रेस सरकार चावल देने के लिए तैयार हो गया, लेकिन कर्नाटक के गोदाम में उतना चावल नहीं है जितना हमको चाहिए। तो फेडरल सिस्टम में जो सेंट्रल सरकार है, सेंट्रल सरकार सेंट्रल की गोदाम में बहुत सारे चावल सड़ रहे थे, जितना देश को चाहिए था उससे ज़्यादा चावल मौजूद है। सरकार की आंकड़े से ही बोल रहे हम, इतना चावल मौजूद है। हमारा हक बनता है, कर्नाटक सरकार की हक बनता है, जितना चावल हम गरीबों में बांटते, गरीबों को देते फ्री, वो चावल देना केंद्र सरकार की जिम्मेदारी बनते हैं। पार्टी कौन सा भी होने दो, स्टेट और सेंट्रल में, लेकिन जो फेडरल सिस्टम है उसके मुताबिक स्टेट और सेंट्रल, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को मिली भगत कार्यक्रम करना पड़ता है। ये डेमोक्रेसी है, ये डेमोक्रेसी की नीति है, लेकिन बीजेपी सरकार वो डेमोक्रेसी सिस्टम धज्जा उड़ा दिया। उनको डेमोक्रेसी में विश्वास नहीं है, उनको फेडरल सिस्टम में विश्वास नहीं है। जो कर्नाटक को चावल चाहिए था वो चावल कर्नाटक को देने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि कर्नाटक में अलग सरकार है, बीजेपी सरकार हार चुके हैं। अगर कर्नाटक को चावल दिया तो जो मौजूदा सरकार है उस सरकार को एक क्रेडिट मिलेंगे सोच के, ये जो द्वेष की, ये जो दुश्मनी की दायरा इन्होंने अपना रहे है वो सरासर गलत है। हम कांग्रेस सरकार को भी बोलते हैं, आप क्या करते कैसा करते हमको मालूम नहीं है, जो आपने वादा किया वो वादा आपको निभाना पड़ेगा। कहीं से खरीद लो, केंद्र सरकार के सामने मोर्चा निकालो, फाइट करो, लेकिन वहां से चावल लेके आओ, कहीं दूसरे जगह मिलते तो वो भी चावल इकट्ठा करो, लेकिन गरीबों को चावल देना आपका जिम्मेदारी बनता है। इसलिए हम कांग्रेस को इतना देते हैं, आप चावल देने की प्रबंध करो, उसका कुछ ना कुछ सिस्टम डेवलप करो। और सेंट्रल गवर्नमेंट को बोलते हैं हम, ओ मोदी और ओ शाह, आप ऐसा दुश्मनी से देश नहीं चला सकते, आप तो हिटलर का बाप निकल रहे हैं, हिटलर आपके सामने फीके पड़ रहे हैं, हिटलर से भी ज्यादा आप लोग गरीबों को सता के, गरीबों को मारने की जो ठान रख दिया है आपने, और गरीबों को मारने के लिए, लोगों को गुमराह करने के लिए
लोगों को बेवकूफ करने के लिए हिंदू मुस्लिम झगड़ा करा रहे हैं। लेकिन आपका हिंदू मुस्लिम एजेंडा बहुत दिन नहीं चलेगा, लोग समझ गए हैं। आपको जो सत्ता हासिल करने के लिए लोगों के अंदर जो भय विषय पैदा करके, जो झगड़ा के लगा के लोगों को सत्यानाश करके लोगों को मार डालेंगे, आप तो गद्दी संभालना चाहते हैं, वो साजिश अब लोगों के समझ में आ गया है। कर्नाटक आपको सबक सीखे है, और केंद्र में आप जो बैठे हैं ना, 24 में 24 में आपको उतरना पड़ेगा। आपका बर्बादी का क्षण गिनती करो, आपका बर्बादी का अंत काल आया है, क्योंकि आप गरीबों के पेट के ऊपर लात मार रही है। गरीबों की पेट की जो अग्नि है वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा मोदी, कभी नहीं छोड़ेगा बीजेपी सरकार, जो बीजेपी के पीछे वाले आरएसएस, समझ लो। This video presented by Inspire Global Group Institute. You can learn to succeed, basic computer, AutoCAD, MS Office, and other courses by well-trained, qualified expert trainers. Address Darshan Tower opposite Khargay Petrol Pump, Sedum Road, Gulbarga.